हेलो, एक और क्वेश्चन है कि कोई रीजन है उसमें पोटेंशियल है वी इक्वल टू 4x2। हमको पोटेंशियल की वजह से उस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट पी पर 102 मीटर्स में था, 1 मीटर, 0 मीटर, 2 मीटर, इस पॉइंट में हमको निकालना है, राइट। इस पॉइंट में हमको पोटेंशियल निकालना है, तो इसके लिए एक फार्मूला है, ई कंपोनेंट इज डेल वी अपॉन डेल एक्स, ई वाई कंपोनेंट इज डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस वन, ई जेड कंपोनेंट माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, ये हमको निकालना पड़ेगा। ई एक्स माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ 4x2, ई वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ 4x2, ई जेड माइनस डेल वी अपॉन जेड 4x2। पार्शियल डिफरेंशिएशन की साइन है डेल अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पर माइनस 4x2 का 2x, ये जीरो, पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वो तो डिफरेंशिएट होगा, लेकिन जो दूसरा है एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में वो जीरो हो जाएगा, ई जेड भी जीरो हो जाएगा। फाइनली हमारे पास ई एक्स और बचेगा 4x2 ई वाई जीरो ई जेड जीरो, एक्स कितना है मेरे पास पॉइंट 1 मीटर 0 मीटर, तो 1, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आई ई एक्स जे ई वाई के ई जेड, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आई ई एक्स इज माइनस 8 0 j 0 के, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस तरह से हमको करना है, ये नोट कर लो। एक और क्वेश्चन है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अपन को पॉइंट -1, 2, 3, और पोटेंशियल दिया हुआ है 10x2 + 5y2 -3z2। इसके लिए क्या करना होगा, ई एक्स कंपोनेंट माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, एक्स से सेट में डिफरेंशिएट होगा वाई जेड जीरो हो जाएगा, एक्स का वैल्यू माइनस 1, ये एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इसी तरह से वाई कंपोनेंट निकालेंगे, वाई सर का 2y डिफरेंशिएशन, जिससे 10 हो गया, वाई कितना है 2, इसी तरह से एक जेड वाला होगा ई जेड,
जीरो जीरो जेड कितना है 3 18 वोल्ट पर मीटर, ये तीनों आ गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है IEX JEY KEZ। IEX कितना है 20 वोल्ट माइनस 20 और 18 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ये मैग्नीट्यूड आ गया, इस तरह से करना है, इसको भी नोट कर लो।